दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इंटरसेप्टर किंग, जो कि हमारे थोर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ की पत्नी एल्सा पेटके की जबरदस्त एक्शन ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें रशिया में न्यूक्लियर अटैक सेंटर देखने मिलता है, जिसमें वहां पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया होता है, और फिर बताया जाता है कि रशिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है और उसे अमेरिका पहुंचने में 24 मिनट लगती है, और उसे रोकने के लिए अमेरिका के पास 12 मिनट होती है, और उन मिसाइल्स को रोकने के लिए दो सेंटर्स होते हैं, जिसमें से एक अलास्का में होता है। और फिर हमें घायल सैनिक देखने मिलता है जिसमें उन्हें आतंकवादी मार देते हैं, और वो जगह अलास्का का सेंटर फोर्ट ग्रिली होता है, और फिर दूसरी जगह को SBX-1 नाम दिया गया होता है, जो कि समुद्र के बीच में होते हैं, और इन दोनों जगह को अमेरिका के इंटरसेप्टर कहा जाता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, और फिर पैसिफिक महासमुद्र में SBX-1 सेंटर की तरफ एक हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है, जिसमें वहां पर काम करने वाले कुछ आदमी उसे देखते हैं, और फिर SBX-1 पर हेलीकॉप्टर में जेजे नाम की एक लेडी ऑफिसर का स्वागत किया जाता है, और फिर जेजे आगे आती है, जिसमें वहाँ वो थोड़ी सी नर्वस दिखती है, और फिर जेजे को वहीं पर उसकी एक साथी मिलती है, और फिर वो उसका स्वागत करती है, और फिर दोनों जनरल से मिलने जाते हैं, जिसमें दोनों ऑफिस में आकर एक जनरल और एक उसके सेक्रेटरी से मिलते हैं, जिसमें दोनों उसे देखकर खुश होते हैं, और फिर वहाँ से उनका स्वागत किया जाता है, जिसमें जेजे वहाँ पहले भी काम कर चुकी होती है, और वहाँ पर जनरल जेजे को बताते हैं कि ये जगह पहले से बेटर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस जगह पर रहना किसी को भी पसंद नहीं है, जिसमें जेजे हाँ बोलती है, और उसे भी ये जगह खास पसंद नहीं होती, और वहाँ जनरल वो काफ़ी बेस्ट है ये बताता है। कुछ देर बाद जेजे अपने कमरे में आती है और वहाँ वो अपना सामान रखती है, जिसमें उसे उसकी साथी बताती है कि जेजे के साथ जो भी हुआ वो काफ़ी बुरा है, और उसने जो भी किया वो सही था, और आर्मी में लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है, जिसमें जेजे हाँ बोलती है। और फिर वहाँ पर जेजे को अपने कमरे के दरवाजे पर उसकी एक हॉट तस्वीर मिलती है, जो कि उसने चैरिटी के लिए फुटबॉल मैच के दौरान निकलवाई थी, और उसे देखकर जेजे काफ़ी भड़क जाती है और दुखी होती है। और फिर जेजे को याद आता है कि एक जनरल ने उसका फ़ायदा उठाने का ट्राई किया था, और तब जेजे वहाँ दुखी होकर बैठ जाती है, और फिर वो अपने पिता का दिया हुआ लेटर पढ़कर खुश होती है। कुछ देर बाद जेजे को आकर जनरल बुलाते हैं, जिसमें जेजे अपनी गन लेकर आगे बढ़ती है, और फिर जनरल जेजे को बताते हैं कि अलास्का के उनके सेंटर पर हमला हुआ है, और वहाँ का इंटरसेप्टर अब बंद हो चुका है, और वहाँ से दोनों कमांड रूम में आते हैं, और वहाँ जेजे आकर बाकी दो लोगों से मिलती है, जिसमें उनका नाम राहुल और डेविड होता है, और वहाँ पर जनरल बाकी चीज़ें देखते हैं, जिसमें राहुल बताता है कि वहाँ पास में एक रशियन सबमरीन उन पर नज़र रखे हुए है, और वहाँ डेविड के पास उसका लैपटॉप होता है जो कि काफ़ी तेज़ होता है, और वो राहुल और जेजे को रात को उसके साथ गेम खेलने कहता है, जिसमें दोनों मना कर देते हैं, और वहाँ राहुल बताता है कि अलास्का के इंटरसेप्टर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और वहाँ जेजे को पता चलता है कि रशिया में न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ है, और वहाँ वो आतंकवादी के कब्जे में अब आ चुका है, और तब वहीं पर पेंटागन से फ़ोन आता है, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी होती है, और वहाँ जनरल बात करते हैं, और फिर वहाँ पर एक वीडियो शुरू होता है, जिसमें एक आतंकवादी अमेरिका पर रशिया से मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार होता है, और वहाँ जेजे बताती है कि ये काम अंदर से मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है, और तब वहाँ जनरल बाकी चीज़ों पर ध्यान देने कहता है, और फिर वहाँ से जेजे और जनरल बाहर आते हैं, जिसमें जनरल बताता है कि अब सिर्फ वही लोग अमेरिका को बचा सकते हैं, जिसमें जेजे इस चीज़ के लिए तैयार होती है, और वहाँ जनरल इस जगह को पूरी तरह से लॉक करने चाहता है, और तब वहाँ जेजे उसे रोकती है, और वो बताती है कि दूसरे सेंटर और रशिया में दोनों काफ़ी सिक्योर जगह पर हमला हुआ है, और ये चीज़ बिना अंदर की मदद से पॉसिबल ही नहीं है, और वहीं पर जेजे को वहाँ काम करने वाले कुछ लोग दिखते हैं, और वहाँ एक आदमी जेजे को देखकर हंसता है, और फिर वो लोग उन दोनों पर गोलियाँ चलाते हैं, जिसमें जनरल वहीं पर मारे जाते हैं, और जेजे साइड में आ जाती है और वो उन पर गोलियाँ चलाती है, जिसमें वो एक आतंकवादी को मार देती है, और वहाँ एक दूसरा आतंकवादी आगे बढ़ता है,
और तब जेजे एक दरवाजा बंद करके उसे लेकर कमांड रूम में आ जाती है, जिसमें वो गुंडा गोली चलाता है और एक गोली डेविड को भी लग जाती है। और फिर जेजे उस गुंडे से लड़ती है, जिसमें वो काफ़ी तेज होती है। और फिर वो आदमी अपने बॉस को लेने दरवाज़ा खोलने जाता है और तब जेजे आगे बढ़ती है और वो उसे मारने लगती है, जिसमें वो आदमी जेजे को मारने जाता है। और तब जेजे अपनी गन लेती है और उस गुंडे की आँख में घुसा देती है, जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है। और तब जेजे देखती है कि उस गुंडे के बैग में से एसिड निकल रहा था और वो जेजे के कपड़ों पर भी उड़ा था, और इसी वजह से वो अपना शर्ट निकाल देती है। और फिर जेजे वहाँ पीछे दूसरे आतंकवादी को देखती है। और फिर जेजे कमांड सेंटर में आगे बढ़ती है, जिसमें वो वहाँ का दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर देती है। और उस जगह पर राहुल जेजे ने आँख में गन डाल दी थी इस चीज़ से चौंका हुआ होता है। और वहाँ डेविड को राहुल देखता है और वो बेहोश है, ये वो जेजे को बताता है। और फिर जेजे वो लोग एसिड इसलिए वहाँ पर लाए थे ताकि वो लोग इस जगह को तबाह कर सके, ऐसा बोलती है। और फिर जेजे की बात उन आतंकवादियों से होती है, जिसमें जेजे उन लोगों को इस जगह को छोड़ देने कहती है, जिसमें वो आदमी खुद का नाम अलेक्जेंडर बताता है और उसी ने रशिया और अलास्का पर हमला किया है, ये बोलता है। और तब जेजे बोलती है कि उनकी प्लानिंग काफ़ी बड़ी होगी, वरना ऐसी बड़ी जगह पर घुसना आसान नहीं होता। और तब अलेक्जेंडर बताता है कि वो 6 सालों से ये प्लान कर रहे हैं और वो सेंटर को उसके हवाले कर देने कहता है, जिसमें जेजे मना करती है। और तब वहाँ अलेक्जेंडर के साथी दूसरा सामान लाते हैं और वो लोग दरवाजे को कट करवाते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर जेजे को दरवाज़ा ना खोलने पर उसे मार देने की धमकी देता है। और वहाँ जेजे अपना अमेरिकन लोगों को मरने नहीं दे सकती, ये बोलती है, जिसमें वहाँ पर दरवाजे को खोलने का काम शुरू किया जाता है। और इस सेंटर के ज़्यादातर लोगों को अलेक्जेंडर ने मार दिया है, ये वो बताता है, जिसमें जेजे इस चीज़ से दुखी होती है। और वहाँ राहुल भी दुखी होता है। और फिर सेंटर में कॉल आता है, जिसमें जेजे की बात व्हाइट हाउस से होती है और वहाँ उन लोगों पर हमला हुआ है, ये वो बताती है, जिसमें दूसरी ऑफिसर्स भी डर जाते हैं। और अभी तक ये जगह सेफ है, ये जेजे बताती है, जिसमें वो लोग दरवाजे को लेज़र से काट रहे होते हैं और वो लोग 30 मिनट में अंदर आ जाएंगे, ये जेजे बताती है, जिसमें ऑफिसर बताता है कि वो लोग मदद भेज रहे हैं। और तब वहाँ जेजे अलेक्जेंडर के बारे में बताती है और वो लोग मिलिट्री की ट्रेनिंग जानते हैं, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ ऑफिसर जेजे को इंटरसेप्टर सेंटर को संभालने कहता है। और फिर वहाँ प्रेसिडेंट आती है और वो बताती है कि रशिया की मिसाइल्स आतंकवादियों के कब्जे में और उन्होंने मिसाइल से अभी तक हमला नहीं किया, क्योंकि ये इंटरसेप्टर सेंटर सेफ है और अगर इसे कुछ भी हुआ तो पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, जिसमें जेजे इस जगह को संभाल लेगी, ये बोलती है। और फिर इस चीज़ से राहुल डरा हुआ होता है और उसका काम स्क्रीन को ही देखना है, ये वो बताता है, जिसमें उसे लड़ाई का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसमें जेजे को उस पर पूरा भरोसा नहीं करने वो कहता है। और तब वहाँ अलेक्जेंडर फिर से जेजे से बात करता है, जिसमें जेजे उसे देखती है। और वहाँ अलेक्जेंडर बताता है कि वो अंदर घुसने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसमें वो जनरल के सेक्रेटरी को जिंदा पकड़ कर लाता है और फिर अलेक्जेंडर उसे मारने की धमकी देता है। और तब जेजे दरवाज़ा नहीं खोलेगी, ये बोलती है। और तब अलेक्जेंडर उस सेक्रेटरी को वहीं पर मार देता है, जिसमें जेजे दुखी होती है। फिर वो बोलती है कि अलेक्जेंडर किसी को भी मारे लेकिन वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलेगी। और फिर वहाँ पर राहुल काफ़ी डरा हुआ होता है, जिसमें जेजे उसे पूछती है कि उन लोगों को सोचना होगा कि वो लोग अंदर कैसे घुसेंगे। और फिर जेजे राहुल को वहाँ पर मिसाइल्स के लॉन्च होने का ध्यान रखने कहती है। और वहाँ राहुल अपने टर्टल को देखने जाता है और वो बताता है कि वहाँ पर आने का एक ही मेन रास्ता है, जिसमें वहाँ एक रास्ता डायरेक्ट समुद्र में जाने का और ऊपर मिसाइल तक पहुँचने का होता है। और तब राहुल उसे ओपन करने चाहता है और वहीं पर एक आदमी नीचे के रास्ते से अंदर घुसता है और वहाँ जेजे और वो लड़ने लगते हैं, जिसमें वो आदमी भी काफ़ी तेज़ होता है। और वहाँ राहुल को एक शॉटगन मिलती है, जिसमें जेजे और वो आदमी लड़ रहे होते हैं। और वहाँ राहुल डरा हुआ होता है और वो उसे गोली नहीं मार पाता। और तब जेजे राहुल से गन लेती है और वो शॉटगन से उस आदमी को वहीं पर उड़ा देती है। और फिर जेजे उस आदमी के आने का रास्ता देखती है, जिसमें वो अकेला था और वो गन भी काफ़ी स्लो है, ये जेजे बताती है, जिसमें राहुल समझ जाता है कि उन लोगों के पास अब कोई भी हथियार नहीं है। और फिर दोनों वहाँ से उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और फिर दोनों फिर से काम में लगते हैं, जिसमें वहाँ अलेक्जेंडर उन्हें देख रहा होता है। और फिर राहुल वहाँ कैमरा में पूरा सेंटर देखता है, जिसमें सारे लोग मारे गए होते हैं।
और फिर एलेक्जेंडर वीडियो में जेजे की हॉट तस्वीर दिखाता है और वो देखकर जेजे हंसती है और इस चीज़ से उसे फ़र्क नहीं पड़ता ये वो बताती है, जिसमें एलेक्जेंडर को उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता है ये वो बोलता है, जिसमें जेजे बोलती है कि तुमने सब चीज़ों की पूरी तैयारी की होगी लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा क्योंकि मुझे यहाँ आने का ऑर्डर कल ही मिला था। और तब एलेक्जेंडर बोलता है कि उसे उसके बारे में सब पता है, जिसमें जेजे का असली नाम जॉय जैस्मिन है, जिसमें उसके करीबी लोग उसे जेजे बुलाते हैं। और 3 साल पहले वो मिलिट्री में आई थी और फिर वो एक दिन एक जनरल से मिली थी जिसमें वो मीटिंग के दौरान उसका फ़ायदा उठाने गया था और तब जेजे ने उसकी कंप्लेंट की थी और इसी वजह से मिलिट्री से उसे दूर भेजा गया था। और फिर कुछ वक्त के बाद जेजे ने फिर से उस जनरल के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें वो जनरल फिर से उसका फ़ायदा उठाने गया था और तब जेजे वहाँ से डर कर वॉशरूम में आ गई थी और असल में उसने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और इसी वजह से उस जनरल को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था, ये राहुल को भी पता होता है। लेकिन इस चीज़ से जेजे भी हार चुकी थी ये एलेक्जेंडर बताता है, क्योंकि उसके बाद जेजे को काफ़ी सारे मिलिट्री में सभी लोगों से हेट मिलने लगा था और उसके हॉट फोटोज भेजे जाते थे और इस चीज़ से वो दुखी भी होती है। और फिर मिलिट्री की सेवा का जेजे को ऐसा काफ़ी बुरा इनाम मिला था ये वो बताता है। और फिर एक दिन जेजे अपने घर पर गई थी और उस दिन उसके घर की हालत देखकर जेजे टूट चुकी थी, जिसमें वहाँ पर काफ़ी भला बुरा लिखा गया था। और इन चीज़ों से परेशान होकर जेजे ने उस दिन सुसाइड ट्राई किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे बचा लिया था और फिर वो उसे बाहर लाए थे और उन्होंने जेजे को उठाया था। और एलेक्जेंडर उसे हरा सकता है, जिसमें उसे उसके बारे में हर एक चीज़ पता है ये वो बोलता है। और तब जेजे बोलती है कि वो उससे हार नहीं सकती। और तब एलेक्जेंडर जेजे को दरवाज़ा खोलने के लिए $3 करोड़ ऑफर करता है और अमेरिका की मिलिट्री को उसकी परवाह नहीं है ये वो बताता है, जिसमें जेजे कुछ भी नहीं बोलती। और फिर अमेरिका के मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ पहला दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है और वहाँ से एलेक्जेंडर अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें जेजे और राहुल उसे देखते हैं। और वहाँ पीछे से डेविड उठ जाता है और वो जेजे और राहुल को बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियाँ मारता है, जिसमें वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर डेविड दरवाज़ा खोल देता है, असल में डेविड भी एलेक्जेंडर से मिला हुआ था। और फिर वहाँ पर मियाँ नाम की लड़की आकर सिस्टम को संभालने लगती है और उस जगह को कंट्रोल करके एलेक्जेंडर वहाँ से एक मिसाइल छोड़ने की तैयारी करवाता है। और फिर वो जेजे के पास आकर बैठता है, जिसमें जेजे उसे मार देने कहती है और वहाँ एलेक्जेंडर उसे तड़पाएगा ये बताता है। और फिर वहाँ डेविड जेजे को पकड़ कर बांध देता है और वहाँ डेविड बताता है कि ये जगह काफ़ी घटिया है और मिलिट्री में जिन लोगों को ज़रूरत नहीं होती उन्हीं लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है। और तब जेजे बताती है कि इस वजह से वो किसी की भी जान नहीं ले सकता, जिसमें डेविड पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है ये बताता है। और तब जेजे उसे नामर्द बुलाती है और डेविड जेजे के पास आता है और सब खत्म होने पर वो उसके साथ रात गुजारेगा ये बोलता है। और तब जेजे उसे मारती है और तब डेविड भड़क जाता है और वहाँ एलेक्जेंडर उसे पकड़कर शांत करता है। और फिर वहाँ मियाँ बताती है कि उसने अमेरिका के सैटेलाइट को कंट्रोल कर लिया है और ये चीज़ अब वो लोग पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और फिर वहाँ व्हाइट हाउस से कॉल आता है, जिसमें वो लोग एलेक्जेंडर और डेविड से बात करते हैं, जिसमें वो दोनों पहले से मिलिट्री में थे ये चीज़ उन्हें पता होती है। और वो लोग अपने देश से गद्दारी कर रहे ये ऑफिसर बताते हैं, जिसमें वहाँ एलेक्जेंडर बोलते हैं कि उसे जो भी चाहिए वो चीज़ अमेरिका उसे कभी नहीं दे पाए। और फिर पूरी दुनिया का हर टीवी स्क्रीन पर इंटरसेप्टर सेंटर नज़र आता है और एक स्टोर में हमें हमारे थोर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ अपने कस्टमर्स के साथ नज़र आते हैं। और फिर वहाँ प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर को मिसाइल नहीं छोड़ने कहती है, जिसमें वहाँ एलेक्जेंडर पूरे अमेरिका से बात करता है और वो बताता है कि वो अमेरिका के एक एम्बेसडर का बेटा है और अब उसके पास पूरी 16 मिसाइल्स हैं और उन्होंने इंटरसेप्टर सेंटर पर भी कब्जा कर लिया है, जिसमें वो अमेरिका को अब बर्बाद कर देगा। और फिर एलेक्जेंडर एक मिसाइल छोड़ने कहता है और रशिया से एक मिसाइल छोड़ी जाती है, जिसमें इंटरसेप्टर उसे रोकने के लिए 12 मिनट का वक्त दिखाता है और अब वो मिसाइल अमेरिका के किसी भी एक स्टेट को उड़ा देगी ये एलेक्जेंडर बोलता है। और उसकी बातें सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं और क्रिस के पास के भी सारे कस्टमर्स भागते हैं। और इसके बाद एलेक्जेंडर पूरे अमेरिका के हर शहर को बर्बाद कर देगा और अमेरिका एक काफ़ी घटिया और झूठा देश है, जिसमें वो उसे मिटाकर फिर से सुधारेगा ये बताता है। और वहाँ एलेक्जेंडर राहुल को दिखाता है
और वो एक इंडियन है जिसमें उसके साथ भेदभाव अमेरिका में होता होगा, ये चीज़ उससे पता होती है। और फिर अलेक्जेंडर जेजे को दिखाता है और वो बताता है कि जेजे ने कुछ ही महीनों पहले एक काफ़ी बुरे जनरल का पर्दाफाश किया था, लेकिन उसके बाद मिलिट्री ने जेजे को एक करियर को ही ख़त्म कर दिया। और वो एक लड़की है जिसमें मिलिट्री उसके काबिल नहीं है, और उसकी बात सही है ये क्रिस भी बोलता है। और फिर वहाँ हमें मिसाइल आगे बढ़ती हुई नज़र आती है और वहाँ जेजे बताती है कि उसने काफ़ी सारी चोटें खाई हैं जिसमें उसके हाथ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मुड़ सकते हैं। और वो अपने हाथों से रस्सी को निकाल लेती है और फिर वो एक गन लेती है और सबको मारने लगती है, जिसमें वहाँ पर कुछ लोग मारे जाते हैं। और वहाँ डेविड आगे बढ़ता है और तब जेजे अलेक्जेंडर को मारती है और अलेक्जेंडर और डेविड दरवाजे से बाहर गिरते हैं। और वहाँ जेजे की गोलियाँ ख़त्म होती हैं, तब वो दरवाजे को बंद कर देती है और तब मियाँ आकर जेजे को मारती है, जिसमें मियाँ को दरवाज़ा खोलना होता है और जेजे को इंटरसेप्टर्स मिसाइल से रशिया की मिसाइल को रोकना होता है। और फिर दोनों लड़ने लगती हैं, जिसमें दोनों काफ़ी फास्ट होती हैं। और वहाँ मियाँ जेजे को पकड़कर मारने लगती हैं, जिसमें जेजे के हाथ में गम की बोतल आती है, तब वो मियाँ के मुँह में गम भरने लगती है और इस चीज़ से मियाँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर जेजे जाकर इंटरसेप्टर का बटन दबा देती है, जिससे वहाँ पर एक मिसाइल छोड़ी जाती है और वो मिसाइल जाकर रशिया की मिसाइल को उड़ा देती है। और इस चीज़ से जेजे शांत होती है और तभी वहाँ पर मियाँ उठती है और तब जेजे वहाँ एक आदमी की गन लेती है और उसी से मियाँ को वहीं पर उड़ा देती है। और वहाँ जेजे थोड़ी सी घायल भी होती है। और फिर वहाँ जेजे अलेक्जेंडर को अपना मैसेज दिखाती है और इस चीज़ से डेविड भड़का हुआ होता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि जेजे को मार देना चाहिए और ये अलेक्जेंडर की गलती है ये वो बताता है, जिसमें अलेक्जेंडर अभी भी सब चीज़ें संभाल लेगा और उसके पास अभी भी 15 मिसाइल से ये वो बताता है। और फिर जेजे अंदर दूसरे गुंडोस की गन लेती है और वहाँ उसके हाथ घायल होता है और तब वो फर्स्ट एड बॉक्स देखने जाती है, जिसमें उसे वहाँ एक चाकू और टेप मिलती है। और वहाँ जेजे की बात फिर से व्हाइट हाउस में होती है और वो वहाँ पर खुद का इलाज करती है और वो लोग लाइव सेशन को रोक नहीं पाते। और वहाँ ऑफिसर बताते हैं कि अलेक्जेंडर एक टॉर्चर एक्सपर्ट सैनिक था और ये चीज़ क्रिस भी देख रहा होता है। और वहाँ जेजे की तारीफ ऑफिसर्स करते हैं और फिर जेजे जाकर राहुल को आज़ाद करती है, जिसमें वो भी जेजे की तारीफ करता है। और वहाँ जेजे शांत होती है और वो वहीं पर सो जाती है और उसे याद आता है कि सुसाइड के बाद उसके पिता ने उसके घर को संभाला था। और फिर सुबह उन्होंने जेजे को सूप भी दिया था। और वहाँ जेजे मिलिट्री के लोग उससे काफ़ी नफरत करते ये बताती है, जिसमें उसके पिता बोलते हैं कि तुमने जो भी किया सही किया और तुम्हें हमेशा मेरा मंत्र याद रखना चाहिए, जिसमें जेजे बोलती है कि उसे कभी भी लड़ना छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद प्रेजेंट में राहुल जेजे को उठाता है और अलेक्जेंडर को जेजे से बात करनी है ये वो बताता है। और तब जेजे अलेक्जेंडर के पास आती है और वहाँ अलेक्जेंडर उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें जेजे के पिता को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया होता है। और तब जेजे भड़क जाती है और वहाँ अलेक्जेंडर उसे दरवाज़ा खोलने कहता है, जिसमें जेजे वो ये नहीं कर सकती ये बोलती है। और वहाँ अलेक्जेंडर उसे बोलता है कि वो लोग यही करते, लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते। और फिर अलेक्जेंडर उसके पिता की उंगली निकलवाने कहता है, जिसमें वो लोग उसकी उंगली को काट देते हैं। और तभी भी जेजे दरवाज़ा नहीं खोलेगी ये बोलती है। और फिर जेजे उसके पिता से बात करती है, जिसमें उसके पिता उसे लड़ना नहीं छोड़ने कहते। और वहीं पर सिग्नल चला जाता है और इस चीज़ से जेजे टूट पड़ती है। और फिर अलेक्जेंडर वहाँ एक पीसी सिस्टम को ऑन करता है और वो पूरे इंटरसेप्टर की सिस्टम को देखता है। दूसरी तरफ राहुल जेजे को बोलता है कि जेजे वहाँ कल रात ही आई है और इतने जल्दी उन लोगों के पास जेजे के पिता के पास पहुँचने का मौका कैसे हो सकता है। और वहाँ अलेक्जेंडर बताता है कि जेजे वहाँ पर आने वाली थी, ये चीज़ उसे एक दिन पहले पता चले थी, लेकिन ये चीज़ अलेक्जेंडर को 3 दिन पहले से पता थी। और वहाँ अलेक्जेंडर पूरी जगह को डुबाना शुरू करता है, जिसमें इंटरसेप्टर सेंटर के नीचे से पानी भरने लगता है और इस बारे में प्रेसिडेंट को भी पता चलता है। और फिर सेंटर के नीचे धमाके होते हैं और वहाँ पर पानी अंदर घुसता है, जिसमें जेजे बताती है कि जब तक ऊपर ही हिस्सा ऊपर है तब तक वो लोग मिसाइल्स छोड़ सकते हैं। और वहाँ उन लोगों के पास सेंटर के डूबने से पहले की 13 मिनट्स होती है, जिसमें जेजे नीचे जाने तैयार होती है और वहाँ राहुल नीचे जाएगा ये बताता है। और फिर राहुल तैयार होता है और वो एक हीरो है ये जेजे बताती है। और फिर राहुल वहाँ से नीचे कूद पड़ता है, जिसमें उसे वहाँ एक मशीन कंट्रोल सेंटर रूम में जाना होता है और ये चीज़ अलेक्जेंडर भी देखता है। और तब डेविड वहाँ से आगे बढ़ता है
और फिर राहुल उस कंट्रोल रूम में आता है और वहाँ आकर वो मशीन के कंट्रोल को देखता है जिसमें वो उन होल्स को बंद करवाने लगता है और इस चीज़ से उन लोगों को थोड़ा और वक्त मिलने लगा है, ये चीज़ें बताती है। और वहीं पर डेविड भी आ जाता है और वो राहुल को मारने वाला होता है और तब राहुल डेविड को सुधरने कहता है लेकिन डेविड वहीं पर राहुल को मार देता है और इस चीज़ से जेजे भी काफ़ी दुखी होती है। और फिर उस जगह पर अलेक्जेंडर बताता है कि उसने राहुल की फाइल पढ़ी थी जिसमें वो उसे काफ़ी फट्टू लगा था लेकिन राहुल ने उसे गलत साबित किया। और फिर वहाँ जेजे बाकी चीज़ें देखती है और फिर वो आगे बढ़ती है और अलेक्जेंडर के पास आती है और वो बताती है कि अलेक्जेंडर आतंकवादी नहीं है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है और उसकी एक कमजोरी है जिसमें उन लोगों के पास घूमता हुआ सबमरीन उसी का है जिसमें अलेक्जेंडर वहाँ से जिंदा वापस निकलना चाहता है और यही उसकी कमजोरी है। और फिर जेजे उस जगह पर टेप लगाने लगती है जिससे अलेक्जेंडर उसे देख ना सके और वहाँ अलेक्जेंडर उसे रोकता है लेकिन जेजे उसकी बात नहीं सुनती और वो पूरी जगह को बंद कर देती है। और फिर जेजे वहाँ से सेंटर में आकर ऑफिसर से बात करती है जिसमें वो बताती है कि ये जगह डूबने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो सारी मिसाइल्स अमेरिका को बर्बाद कर देगी। लेकिन उसके पास एक प्लान है जिसमें ऑफिसर उसका प्लान पूछता है जिसमें जेजे बताती है कि वो अलेक्जेंडर को पूरा सेंटर देने का सोच रही है और फिर उसके बाद वो अपनी सारी मिसाइल छोड़ देंगे और तब वो फिर से इस सेंटर को कंट्रोल में लेके इंटरसेप्टर से रशिया की सभी मिसाइल्स को खत्म करवा देगी। और इस चीज़ में काफ़ी खतरा है ये ऑफिसर्स बताते हैं और तब वहाँ जेजे बताती है कि ये सारी चीज़ें वही संभाल रही है और वो ये कर सकती है जिसमें प्रेसिडेंट उसे आगे बढ़ने कहती है। कुछ देर बाद नीचे के रास्ते से डेविड वहाँ घुसता है और वो पूरे कंट्रोल रूम को देखता है जिसमें उसे जेजे नहीं दिखती और उसे ऊपर जाने की जगह ओपन दिखती है। तब डेविड को लगता है कि जेजे ऊपर गई होगी और फिर डेविड अलेक्जेंडर को अंदर लेता है और अंदर आते ही अलेक्जेंडर सारे मिसाइल्स को छोड़ देने कहता है और फिर रशिया से एक के बाद एक 15 मिसाइल्स छोड़ी जाती है और इस चीज़ से सभी लोग खुश होते हैं जिसमें पूरा अमेरिका बर्बाद होने वाला होता है। और फिर डेविड वहाँ से जेजे को मारने के लिए ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है और सेंटर में अलेक्जेंडर एसिड लेता है और वो इंटरसेप्टर के मशीन कंट्रोल पर एसिड डाल देता है जिससे वो तबाह होने लगते हैं। और फिर ऊपर डेविड को जेजे को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखती और ये चीज़ अलेक्जेंडर को डेविड बताता है और तब अलेक्जेंडर समझ जाता है कि जेजे इस रूम में ही होगी जिसमें अलेक्जेंडर अपने आदमी के साथ सभी चीज़ें देखने लगता है। और वहाँ अलेक्जेंडर को एक जगह पर शक होता है और वहीं पर एक सूट में से जेजे चाकू लेती है और अलेक्जेंडर के आदमी को वहीं पर मार देती है और फिर वो उसकी गन से अलेक्जेंडर पर हमला करती है जिसमें अलेक्जेंडर उस जगह से भाग जाता है। और फिर जेजे आकर कंट्रोल्स देखती है जो कि ख़राब हो चुके होते हैं और वहाँ अब उसके पास मिसाइल्स को रोकने के लिए 7 मिनट से बाकी होते हैं और तब जेजे वहाँ से डेविड का लैपटॉप लेती है और वो कंट्रोल मशीन के वायर्स को निकालती है और वहाँ से लैपटॉप लेकर जेजे ऊपर आती है और वहाँ उसे मिसाइल कंट्रोल मशीन्स दिखती हैं जिसमें लैपटॉप से वायर लगाकर वो उसे कंट्रोल करने चाहती है। और वहीं पर डेविड जेजे को पकड़ लेता है और वहाँ लैपटॉप सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और फिर जेजे डेविड को बोलती है कि अलेक्जेंडर वहाँ से निकल चुका है और अब वो भी मारा जाएगा और इस चीज़ से डेविड कन्फ्यूज़ होता है और तब जेजे डेविड को मारने लगती है और फिर दोनों अपने चाकू से लड़ते हैं और फिर जेजे वहाँ तार लेती है और डेविड के गले में बांध देती है और फिर दोनों दूसरी तरफ आते हैं जिसमें दोनों नीचे पानी में गिरते हैं और वहाँ तार डेविड के गले में फंसने से वो उसका सर वहीं पर कट जाता है और जेजे और डेविड की बॉडी पानी में गिरती है। दूसरी तरफ मिसाइल्स आगे बढ़ रही होती है और फिर पानी में हमें जेजे बेहोश दिखती है जिसमें वहाँ उसे उसके पिता की बातें याद आती है कि कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना और तब जेजे उठती है और वो सेंटर में ऊपर चढ़ने लगती है जिसमें उसके पास अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं और वहाँ से जेजे चढ़कर ऊपर तक आती है और फिर जेजे सिर्फ एक ही हाथ से लटक लटक कर आगे बढ़ती है और वहाँ से जेजे एक काफ़ी बड़ा जंप मारती है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़कर कंट्रोल सेंटर में ऊपर आ जाती है और उसे देखकर व्हाइट हाउस में भी सभी लोग और क्रिस भी काफ़ी खुश होता है। और फिर जेजे वहाँ से ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है जिसमें उसके पास 30 सेकेंड ही होते हैं और फिर जेजे ऊपर आती है और वो भागकर लैपटॉप के पास आती है और वो वहाँ पर बटन दबा देती है और सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स को छोड़ दिया जाता है और वो मिसाइल्स आगे बढ़ती है जिसमें अलेक्जेंडर भी उसे देखता है
और फिर जे जे वहाँ पीसी में सारे मिसाइल्स को देखती है, जिसमें इंटरसेप्टर्स की मिसाइल्स उन्हें तबाह करने लगती है और सारे मिसाइल्स तबाह हो जाते हैं। और इस चीज़ से पूरी दुनिया में सभी लोग खुश होते हैं और वहाँ जे जे भी अब शांत होती है। और वहीं पर अलेक्जेंडर आता है और वो जे जे के काम की तारीफ करता है और फिर वो जे जे के पास आकर उससे लड़ता है, जिसमें जे जे को वो काफ़ी मारता है और फिर जे जे भी उसे पकड़ कर मारती है और उसने उसके पिता की जान ली। इसके लिए अलेक्जेंडर के मेन पॉइंट पर वो मारती है और वहीं पर एक सबमरीन आता है, जिसमें अलेक्जेंडर खुश होता है। और फिर सबमरीन में से एक जनरल निकलता है और उसका साथी एक गोली मारता है जो कि असल में अलेक्जेंडर को मारता है। और फिर जे जे उन्हें देखती है, जिसमें वो जनरल जे जे को सैल्यूट करता है और फिर पता चलता है कि ये सबमरीन असल में अमेरिका की भेजी हुई मदद ही थी। और इस चीज़ से जे जे खुश होती है और वहाँ जे जे को लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी आगे बढ़ते हैं। और फिर कहानी 3 दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें जे जे को अमेरिका को बचाने के लिए काफ़ी सारे लेटर्स, गिफ्ट्स और फूल भेजे जाते हैं। और वहाँ प्रेसिडेंट भी जे जे से आकर मिलते हैं और वो बताती है कि अब इंटरसेप्टर को कंट्रोल कर लिया गया है और सारी चीज़ें ठीक है और अब जे जे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके जैसे काबिल सैनिक को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए चुना जाता है, जिसमें जे जे खुश होती है। और फिर प्रेसिडेंट वहाँ जे जे के पिता को अंदर बुलाती है, जिसमें जे जे खुश हो जाती है। और वहाँ प्रेसिडेंट बताते हैं कि जे जे के पिता को उनके साथियों ने लाइव देखा था और फिर उन्होंने जाकर उन्हें बचा लिया था, लेकिन उनकी उंगली काट गई, ये उसके पिता बताते हैं, जिसमें जे जे खुश होती है। और वहाँ प्रेसिडेंट जे जे को ठीक होकर व्हाइट हाउस में मिलने कहकर निकलती है और फिर जे जे से उसके पिता मिलते हैं और वो उसे गिफ्ट देते हैं जो कि राहुल का टर्टल होता है। और वहाँ दोनों उसके लिए दुखी होते हैं और राहुल एक काफ़ी बहादुर सैनिक था, ये जे जे बताती है, जिसमें दोनों उसके बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्रिस हेम्सवर्थ अपनी शॉप में आराम करते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।